सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं उनको बताऊँ तो ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं दी 9 MM चैलेंज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लूट लिया है, मतलब मुझे वेक्टर मिल चुका था। यहाँ हम लोग यासनापोलियाना में आए थे, ये वेक्टर हमें मिल चुका था। और फिर अचानक से मेरे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम लोग 9 MM चैलेंज करते हैं। तो लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे डिक्शनरी में 9 MM आने में सीधा एक ही ख्याल आता है, भाई ऊंची। भाई तो ऊंची यूज़ करेंगे ना। नहीं भाई, मैं ऊंची नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि ऊंची ना मिली नहीं मेरे को ये गेम प्ले में। आप लोग सोचते हो भाई क्या बोल रहा है, ऊंची नहीं मिली तेरे को। हाँ भाई, ऊंची नहीं मिली, क्या कर सकते हैं अब। ऊंची नहीं मिली तो नहीं मिली, पर हमें वेक्टर मिल चुकी है। तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ताली ताली। फिर एक बंदा हमारे यहाँ पे, मतलब टीममेट्स में ही, मेरे को बोल देता है भाई यहाँ पे VSS भरा हुआ है, अगर तेरे को किसी को चाहिए तो ले लो। भाई VSS में VSS और वेक्टर क्या कॉम्बिनेशन लगा। फिर मैंने वो VSS भी ले लिया। तो आगे देख लोग, VSS लेने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक बॉट दिखता है जिसको हम लोग मार देते हैं। हमें कोई बंदे आए नहीं थे, तो हम लोग चलते आते हैं सीधा ड्रॉप हंट। ये भी यासना के बाजू में ही है। फिर यहाँ क्या क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। क्या चाहिए? अच्छा, गड़ी 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 हाँ, वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा फुल इजी एक स्क्वाड वाइप हो चुका था। तो हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं नेक्स्ट ड्रॉप हंट की ओर। लूटने का सीन क्या देखोगे आप लोग। तो यहाँ पे यासना के बाजू में एक ड्रॉप था, तो यहाँ से हम लोग सीधा बंदे की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि बंदे मारने के लिए ऑब्वियसली। और फिर मैंने मैप की ओर देखा, और मैप में लास्ट जोन सेवर्नी की ओर बना था, तो हम लोग सीधा सेवर्नी की ओर निकल चले, मतलब निकल पड़े। गाइज हम लोग यहाँ पे रुके थे सेवर्नी के, पर यहाँ से एक गाड़ी गुजरी थी, और ये जो सामने ब्लू घर है, ब्लू घर में गाड़ी रुकी, तो यहाँ पे बंदा पिक किया, मैंने उसको भी तो फिर से मारा। फिर मैं मेरे टीममेट्स को बोलता हूँ प्लीज़ भैया रश मारते हैं, पर वो लोग नहीं सुनेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं ही सोचता हूँ मैं अकेले जाना पड़ेगा मुझे अभी रश मारने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइज हम लोग ने मैंने एक नेड अटेम्प्ट ट्राई किया, तो देखते हैं ये सफल होता है कि नहीं। और जैसे ही ये नेड ने एक बंदे को मारा, मैं सीधा घुस गया रश मारने के लिए, जो कि मेरे टीममेट्स आए कि ना आए। यहाँ पे हमारा किल एक टीममेट ने चुरा लेता, पर कोई बात नहीं, टीममेट ही तो है, चुराने दो लेने दो। फिर यहाँ पे ये सीन के बाद ही हमारा दुर्गति चालू होता है, मतलब बैड लक। तो देखते हैं कैसे हम मरते हैं। यहाँ पे उन लोग हमारे टीममेट्स को बंदे दिखते हैं, और मुझे भी दिख गया एक सेकंड के लिए। फिर मैं सोचती हूँ यहाँ पे देखिए मैं, पर ये जो क्या बीच में आता है, क्या पता ये बीच में आ गया इसीलिए उसको कनेक्ट नहीं हुआ। पर देखिए कैसे हम मरते हैं। फिर मैं नीचे पहुंचा तो पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ, तो हमें दिखाई नहीं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। मुझे
मुझे नहीं पता ये ओम वाले को कैसे मैं दिखा, पर हाँ मैं दिख गया हूँ और हमारा यहाँ से ही बुरा टाइम शुरू हो चुका है। हाँ आगे एक एक ऐसा मोमेंट आता है सिर्फ मैं ही बचता हूँ, बाकी सब हमारे दोनों बंदे नॉक पड़े। One eternity later.